प्रातः क्लास चल रहा था 29/10/1966 शनिवार को बात चल रही थी मैं सबका बाप हूं समझा और सबकी सदगति वगैरह करने वाला हूं। मनुष्य कहते हैं कि ये जो चक्कर है षष्ठी चक्कर उनकी आयु लाखों वर्ष है। शिव बाबा कहते हैं कि नहीं इसकी आयु 5000 वर्ष है। आदि में ब्रह्मा का दिन और आधे में ब्रह्मा की रात, रात और दिन बराबर होने चाहिए ना। दिन में सूर्य होता है, रात में अज्ञान का अंधेरा होता है। जब सोझरा होता है तो सुख अनुभव होता है, सुख में मुझे कोई नहीं याद करते हैं, और दुख में मुझे सब याद करते हैं। दुख में याद करते हैं इसका मतलब है कि दिन गिनते हैं, समय की गिनती करते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में कोई समय की गिनती नहीं करता, वो है ही ब्रह्मा की दिन, ब्रह्मा का दिन। और आधा समय द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात, जिस रात में काउंटिंग करते हैं एक एक दिन की, प्रूफ के लिए संबत बनाए हुए हैं, शक संबत, हूण संबत, विक्रम संबत, और मुसलमानों के यहां हिजरी संबत, क्रिश्चियंस में ख्रिस्त संबत। क्रिश्चियन लोग कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पूर्व भारत में पैराडाइज था, मतलब जब पैराडाइज था तो सब सुखी थे, दुखी होते हैं तो हिस्ट्री बनती है, हिस्ट्री मनुष्यों की बनाई हुई है, मनुष्य ही सुख और दुख भोगते हैं। पैराडाइज में, स्वर्ग में देवताएं सुख भोगते हैं, उनको हिस्ट्री बनाने की कोई दरकार नहीं। तो मनुष्यों की दुख की हिस्ट्री है 2500 वर्ष की, और देवताओं का है सुख का टाइम 2500 वर्ष।
जहाँ देवताएं सुख ही सुख भोगते हैं। तो सुख और दुख की सृष्टि दोनों मिलाकर के 5000 वर्ष, ये चक्र है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, आता ही रहता है। दिन कौन करता है? दिन बनाता है ज्ञान सूर्य। और रात कौन बनाता है? दुख देने वाला, रुलाने वाला रावण बनाता है। ज्ञान दिन आता है एक से, और अज्ञान की रात होती है अनेक गुरुओं से। जिनकी यादगार रावण का चित्र बनाया गया, अनेक सिरों वाला, अनेक मतों वाला, अनेक भाषाओं वाला, उसको कहा ही जाता है द्वैतवादी युग, द्वापर युग। दुभांत आ जाती है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, आज से 5000 वर्ष पहले महाभारी महाभारत युद्ध हुआ था। इसी भारत में हुआ था, भारत और भारत के आसपास के सभी देश उसमें सम्मिलित हुए थे। उसी युद्ध में 3 सेनाएं थी, पांडव सेना सुख का रास्ता बताने वाले पंडा बाप को फॉलो करने वालों की सेना, और कुरु की संतान कौरव। कुरु उन्हें कहा जाता है जिनकी बुद्धि में बैठा है कि करो, हमारे करने धरने से ही दुख सुख की दुनिया आएगी। उन्हों को ये पता ही नहीं है कि गीता में भी लिखा हुआ है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वतः। प्रकृति के द्वारा सारा चक्र पहले से ही तैयार हुआ पड़ा है। जो षष्ठी चक्र है, सत रज तम में आवृत होता रहता है। हर मनुष्य आत्मा के रिकॉर्ड में ये 84 का चक्र भरा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म और कम से कम 1 जन्म हर मनुष्य आत्मा को लेना है। तो मनुष्य कुछ नहीं करता है, सब कुछ किया कराया पहले से ही हुआ पड़ा है। हर मनुष्य आत्मा में अपने अपने प्रकार के टाइम टू टाइम संस्कार भरे हुए हैं, जो मनुष्य बजाता रहता है। अहंकार में भरा हुआ मनुष्य ये समझता है कि मैं करने वाला हूं, वास्तव में
इस चक्र में सांप बंधे हुए। भगवान भी कहते हैं मैं इस ड्रामा के चक्र में बांधा हुआ हूं। रामायण में तुलसीदास ने भी लिख दिया, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, हर कल्प में भगवान को आना पड़ता है। जब भगवान को ही आना पड़ता है तो दूसरी कोई मनुष्य आत्मा कैसे बचेगी। चाहे मनुष्य आत्मा हो, चाहे भगवान हो, देवात्मा हो, कीटक पशु पक्षी पतंगे कोई भी आत्मा हो, सबका पार्ट इस 5000 वर्ष के ड्रामा में नुधा हुआ है। इससे ज्यादा हिस्ट्री मिलती ही नहीं। सिंध, जोदड़ो, हरप्पा, मैसामिया की बड़ी बड़ी खुदाइयां हुई, उनमें 5000 वर्ष से पुरानी कोई चीज नहीं निकली। शिव की जो लिंग मूर्तियां सबसे पुरानी है वो भी 5000 वर्ष से ज्यादा पुरानी साबित नहीं होती। इन सब बातों से साबित हो जाता है कि ये ड्रामा का चक्र 5000 वर्ष का है। मनुष्य कहते हैं कि इस चक्र में 84 लाख का चक्र नुदा हुआ है। मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म लेकर मनुष्य का जन्म लेती है। बाप कहते हैं कि नहीं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म है। कम से कम कोई का एक जन्म भी हो सकता है। समझा? ऐसी ऐसी जो मुख्य बातें हैं वो चित्र में लिख देना चाहिए। देखो, बाबा कहते रहते हैं ना, और बाबा ये बातें किसको कहते हैं? जो बिल्कुल जैसे देखो ये जगदीश है, किसको कहते हैं? हैं? जैसे ये जो जगदीश है वो संजय उनका नाम लिखा हुआ है। अरे उनके डायरेक्शंस जैसे कि उनके पास आ जाते हैं, क्योंकि उनको ये बनाना होता है ना। किनके पास डायरेक्शंस जाते हैं? इसका नाम लिया जगदीश के पास डायरेक्शंस जाते हैं। डायरेक्टर के कौन है? डायरेक्टर इस ड्रामा का, डायरेक्टर क्रिएटर मुख्य एक्टर कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा के डायरेक्शंस जगदीश के पास जाते हैं, है? वो जगदीश अभी कहां गया है? आपका जगदीश सत्संगी छोड़ के चला गया बाबा। है जिसे जगदीश ने अपनी मनमत के डायरेक्शंस से, जो भी उस समय ब्रह्मा कुमारियां थीं,
उनको एडवांस ज्ञान के विपरीत मनगढ़ंत बातें सिखा सिखा करके उल्टी खोपड़ी वाला बना दिया। अंदर अंदर सत्य असत्य का संघर्ष चलता रहा और उस संघर्ष ने उसकी खोपड़ी में ट्यूमर बना दिया। इसकी खोपड़ी में जगदीश भाई की खोपड़ी में ट्यूमर बना दिया, उसी ट्यूमर में वो मर गया, शरीर छोड़ गया। तो उस जगदीश को डायरेक्शंस मिलते हैं डायरेक्टर के, अरे नहीं ये बेहद का बाप कहते हैं कि मैं हद की बातें नहीं सुनाता हूं, मैं बेहद का बाप हूं तो कैसी बातें सुनाऊंगा, बेहद की बातें सुनाता हूं। जगदीश नाम भी जब बोलते हैं तो उसका अर्थ है शब्दों का जगत ईश, ईश माने शासन करता, सारे जगत का शासन करना करता, और सारे जगत का शासन करता जगत पिता कहा जाएगा कि कोई मनमत पर डायरेक्शन रचने वाला कहा जाएगा, जगत पिता जो डायरेक्शंस देते हैं, जगत पिता तो विश्व के मालिक को कहा जाता है। विश्व का मालिक कौन बनाता है, है? भगवान बनाता है, गॉड फादर बनाता है, और गॉड फादर के डायरेक्शन पर जो चलता है वो ही विश्व का मालिक बन सकता है। तो बेहद का जगदीश शास्त्र में गाया हुआ है, कौन है, है? भारत में उनका प्रसिद्ध मंदिर भी है, कौन सा मंदिर, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ है तो जगतनाथिनी भी होगी, बाप आकर के प्रवृत्ति मार्ग सिखाते। तो उन गॉड फादर के सारे डायरेक्शंस जैसे कि उन बेहद के जगदीश के पास पहले जाते, क्योंकि उनको ये ड्रामा बनाना होता है, इनको बाबा बोरली में बोलते हैं सबसे जास्ती ड्रामा बनाने वाला है ये कौन, व्यास। भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती शास्त्र किसने रचे, व्यास ने रचे। पहला पहला शास्त्र रचने वाला कौन, व्यास। और उसका पहला पहला शास्त्र कौन सा है, लोग कहते हैं वेद बहुत पुराने हैं, वेद तो ब्रह्मा के मुख से निकले। बाप पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन, ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा पहले या बड़ा बाप पहले। तो ब्रह्मा को भी डायरेक्शंस देने वाला कोई हुआ ना, मुरलियों में भी तो बोला हुआ है इन मम्मा बाबा को बैठ करके डायरेक्शंस देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। तो कोई बच्चे थे ना यज्ञ के आदमी, उनमें
वो जगदीश भी था जिसके लिए शास्त्रों में गायन है विश्वनाथ, क्या कहते हैं, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। और दुनिया में विश्व पर कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं गाया हुआ है सिवाय एक विश्वनाथ के। तो उनको ये ड्रामा बनाना होता है, ड्रामा को समझाने के लिए कि जो साक्षात्कार से चित्र तैयार कराए उन पर क्लेरिफिकेशन देना होता है। ये चित्र भी करेक्ट करने पड़ते हैं, तो उनको ये सारा काम ख्यालात से करना चाहिए, विचार सागर मंथन करने की बड़ी जरूरत है। किस बात पर? चित्रों पर। चित्रों पर भी विचार सागर मंथन करने की बड़ी जरूरत है। और ब्रह्मा के द्वारा सुप्रीम गॉड फादर ने जो कुछ बोला उन बातों पर भी बहुत विचार सागर मंथन करने की जरूरत रहती है। भले वो विचार सागर मंथन भी बहुत करते हैं, कौन कौन, जगदीश, ऐसे नहीं है कि नहीं करते हैं। देखो गजट निकालते हैं कि ये क्या मैगजीन निकालते हैं, ये सभी करते हैं, परंतु बाबा जैसे कहते हैं ना, शिव भगवान वाच, क्या बाबा कहते हैं, शिव भगवान वाच, और वो मनुष्य गुरु कहते हैं, मनुष्य गुरु भगवान वाच। वेदों की जो भी व्याख्या हो या वेद जो भी लिखे गए हो या वेद वाणी जो भी ब्रह्मा के मुख से निकाली गई हो, वो वेद वाणी मनुष्य के मुख से निकली या भगवान के मुख से निकली, उस वेद वाणी की व्याख्याएं निकली, वेदों के बाद व्याख्या के रूप में बने आरण्यक, फिर बने ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण आदि ये शास्त्र भी बने, उनकी भी व्याख्याएं निकली, उपनिषद बने, कठोपनिषद आदि। उन उपनिषदों की भी व्याख्याएं निकली, पुराण निकल पड़े, 18 पुराण। तो ये सब क्या हुए, मनुष्य धर्मगुरु वाच, देहधारी धर्मगुरु वाच या भगवान वाच, मनुष्य गुरु वाच। सो तो पंडित और विद्वान और आचारी लोग ही सब सीखते हैं। तो उनमें ये तो सीढ़ी में तो बिल्कुल अच्छी तरह से, या सीढ़ी के बाजों में भगवान ये कहते हैं लिखना चाहिए कि भगवान ये कहते हैं और मनुष्य गुरु ये कहते हैं, क्या
मुख्य बात क्या क्या कहते हैं भगवान, मुख्य बात क्या कहते हैं? मुख्य बात भगवान कहते हैं मैं एक व्यापी हूं, और मनुष्य गुरु क्या कहते हैं? सर्वव्यापी है। मनुष्य गुरु कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण बच्चा है, 16 कला संपूर्ण है। देवताएं कलाओं से बड़े पूरे होते हैं, उन्हें 16 कला संपूर्ण कहो, 14 कला संपूर्ण कहो, कलाहीन भी मनुष्य होते हैं, परंतु भगवान तो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी गाया हुआ है। कैसा है? कलाओं से अतीत, कलाओं से परे है। भगवान सूर्य है तो सूर्य की कलाएं होती हैं क्या? होती हैं। कलाओं में घटता बढ़ता है नहीं? तो सीढ़ी में तो सभी बातें आ जाती है। मनुष्य गुरु क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, तो जो भी मुख्य बातें हैं तुमको भी लिखनी चाहिए। अभी तुम लोग तो क्या लिखेंगे, यहां तो कोई भी एक भी मुझे देखने में नहीं आता है। कहां कहां की बात? माउंट आबू में कब की बात? सन 66 की बात बताई कि यहां तो कोई भी एक भी मुझे देखने में नहीं आता है। तो जगदीश का नाम क्यों ले दिया है? बता लब कि बाबा कोई खास आत्मा को इमर्ज करके बोलते थे, बाकी उस सभा में प्रैक्टिकल में बैठा हुआ कोई एक भी मनुष्य नहीं था जो बाबा को देखने में आता हो, जो बैठ करके ये सब बातें लिखे। अरे लिखने के लिए 5-7 बातें हैं। अरे भाई तुम आज लिख करके देना, खास 5 बातें लिखे। अभी इनको भी बी क्यों लगा दिया? और भी कोई हो रहा है इसलिए बी लगा। हाँ, बाबा ने इमर्ज करके वेद के जगदीश को भी बोला, बताया पहले ही, और बताया इनको भी, माने किनको भी? आपका जगदीश। हाँ, हद का जो जगदीश बैठा हुआ था बाजू में, तो बार बार ने कहा इनको भी, जगदीश को भी कहता हूं। समझा? बाबा ने भी क्यों लगाया? बाबा की नजरों में दोनों ही जगदीश हैं। एक जगदीश इमर्ज किया हुआ और दूसरा बैठा हुआ था सभा में, तो वो भी जो भी होशियार होशियार कहते हैं ना, बाबा नाम लेते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। क्या होशियार होशियार में किसका नाम लिया? अभी वेद के जगदीश का। फिर बोला अच्छी तरह से बिल्कुल, भाई ब्रजमोहन है, ये गुलजार है, ये बहुत, इनको ये बहुत
वो सब समझते हैं। कौन सब समझते हैं? है जो भी वहां बैठे हैं वो साफ समझते हैं कि होशियार होशियार कौन है। उनकी नजर जाती है ब्रजमोहन की तरफ, जगदीश की ओर, गुलजार की ओर। हद में या बेहद में है? सबकी नजर बेहद में जाती है। जब ये नाम लिए तो हद के नाम लिए। अच्छा, ऐसे भी समझते हैं, बल्कि बाबा कहते हैं जो ज्ञानी तू आत्मा अपन को समझते हैं। ये मुख्य बातें तो लिख करके दें कि मनुष्य ये कहते हैं और शिव बाबा ये कहते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, ये पांच ऊपर में है, ये क्या संबंध है? उसमें ये कंट्रास्ट मनुष्यों का और उनका। अच्छा, और बहुत बड़े बड़े किताब बनाने से क्या होगा? किसके ऊपर टांट मारा? जगदीश भाई ने बहुत मोटी मोटी किताबें छपाई के रखी। वो तो पढ़ने से ही मनुष्य का माता खराब हो जाएगा, और खराब हो जाता है। नहीं, पांच छह शिव भगवान ये कह रहे हैं ब्रह्मा द्वारा और ब्रह्मा कुमारियों द्वारा। और ये मनुष्य ये कहते हैं, कंट्रास्ट लिखना चाहिए ना। 29:10:66 की वाणी का तीसरा पी। तो ये जो मुख्य बातें हैं ना वो लिख दें। तो अभी प्रदर्शनी होती है ना बच्ची, दूसरा आजकल विकार के ऊपर है, अबलाओं के ऊपर अत्याचार बहुत होते हैं। इसके ऊपर बताया क्यों कहा अबला? बलवान नहीं कहा, क्या कहा? अबला। उनके ऊपर अत्याचार बहुत होते हैं। कौन करते हैं? अबलाओं के ऊपर अत्याचार कौन करते हैं? कलयुग में कन्याएं माताएं अबला हो जाती है। क्यों हो जाती हैं अबला? कौन बनाता है अबला? है? अरे अपने आप हो जाती क्या? क्या अबला कोई बनाता है? अरे जब भारत में देवी देवताएं थे तो देवियों को अबला कहा जाता था। भगवान ने फाउंडेशन ही ऐसी देवी का डाला
जो संसार में सबसे जास्ती सबला साबित हो गई, कौन है? जगदम्बा, बेहद की गुलजार, जिनकी सत्व प्रधानता का नाम है दुर्गा, दुर्गुणों को दूर करने वाली, तम प्रधान बनती है तो सारी तम प्रधान मनुष्यों का संहार कर देती है। तो सबला हुई या अबला हुई? वो फाउंडेशन काल है नई दुनिया का, जहां भगवान ने कन्याओं माताओं को सबला बनाया था। फिर अबला कौन बनाता है? कब से बनती है अबला? द्वैतवादी युग से। द्वैतवादी युग कौन लाता है? कौन लाता है? ये हिस्ट्री में कोई हुआ है? अरे 2500 वर्ष की हिस्ट्री में कोई माया रावण हुआ? कोई हुआ दस सिर वाला है? अच्छा, कहेंगे वो तो संगठित रूप है रावण का, तो कोई मुखी है, मुख्य मुखिया मुख भी होगा ना? कौन सा मुख हुआ मुखिया? अरे रावण कहा ही जाता है पांच विकार पुरुष के और पांच विकार स्त्री के। ये 10 विकारों का संयोग है, उनमें मुख्य सिर कौन सा है? है काम विकार। तो जो काम विकार का मुख है उसका प्रणेता कौन हुआ? कब से हुआ है? दुनिया में हर बात के लिए, हर काम के लिए शुरुआत करने वाला कोई एक निमित्त तो होता है ना, तो काम विकार का निमित्त कौन हुआ है? अरे देवन, ठीक बात है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों विकारों के मूल में देहबान है, और वो देहबान मनुष्यों में ही होता है या देवताओं में भी होता है? मनुष्य में ही होता है। देवताओं की ज्ञानेंद्रियों में देहबान नहीं होता है? ज्ञान इंद्रियों में होता है। जो ज्ञान इंद्रियों में देहबान होता है उससे पतन तीव्रता से नहीं होता है, होता तो है परंतु देहबान के कारण तीव्रता से पतन कब होता है? जब ज्ञानेंद्रियों से नीचे उतर करके कर्मेंद्रियों में देहभान आता है। उन पांच विकारों में से मुखिया बताया, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये काम विकार सात्विक से, सात्विकता से उत्पन्न नहीं होता। कर्मेंद्रिया रजोगुण वाली हैं और वो रजोगुण कहां से आता है?
है, इसका फाउंडेशन कब पड़ता है? द्वापर युग से, संगम में नहीं। शूटिंग वही तो फाउंडेशन हुआ। जो फाउंडेशन काल है संगम युग, उस संगम युग में भी देवान सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल देवान में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म ज्यादा ताकतवर, अणु बम बन जाता है। अणु तो बहुत सूक्ष्म होता है, वो तो फिर भी स्थूल चीज है। आत्मा तो अणोरणियां, अणु से भी अणुगाई हुई है। तो आत्माओं के बीच में ऐसी कौन सी आत्मा है जो सबसे जास्ती देवान वाले गुरु का पार्ट बजाती है? कोई है या नहीं है? कौन है? धीरे से क्यों बोलते हैं? देवभान जो है कूट कूट के भरा हुआ है। इसमें देवभान होता है, उसे कपड़े पहनने की जरूरत होती है या नंगा रह सकता है? त्रिमूर्ति में क्या दिखाया है? ब्रह्मा को कपड़े पहने हुए दिखाया, और शंकर को क्यों? ये निशानी है कि शंकर का जो संपन्न पार्ट है उसमें देवान का नाम निशान नहीं है, इसलिए वो काम विकार वाली इंद्रिय भी उसकी पूजी जाती है। किस रूप में? लिंग रूप में। तो लिंग है साकार रूप, और उसमें जो यादगार मात्र सोमनाथ के मंदिर में आदि में हीरा जड़ा हुआ था वो है निराकार ज्योति बिंदु की यादगार। लिंग रूपी रथ में कैसा रथ? जिसको हाथ पांव नाक आंख कान ये इंद्रियां जैसे है ही नहीं। दुनिया में चाहे जितनी ग्लानी होती रहे उसके बारे में, परंतु कान जैसे है या नहीं है? है? नहीं है, है? अच्छा, हमारी तुम्हारी कोई ग्लानी कर देता है थोड़ी बहुत तो हम तुमको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? है? और उसको कोई असर नहीं होता। कान होते हुए भी जैसे कान है ही नहीं, आंखें होते हुए भी जैसे आंखें है ही नहीं, देखते हुए नहीं देखना, ऐसा पार्ट बजाता है। अभी भी कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी से पूछ लो, शिव भगवान गॉड फादर जब से मुकरर रथ में आता है तब से लेकर अभी 78-79 वर्ष होने आए, किसी बच्चे के अवगुण को देखा है? प्यार से पढ़ाई पढ़ाता आता है, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता। बच्चे इतनी गलतियां करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा
उन गलतियों को भी नजरअंदाज करके लगातार पढ़ाई पढ़ाता ही जाता है। तो प्यार का सागर है या नहीं है? प्यार का सागर है। जिस तन के द्वारा पार्ट बजाता है उसको भी ज्ञान सागर के रूप में कन्वर्ट कर देता है। कैसा सागर? ज्ञान का सागर। सूर्य नहीं कहा, क्या कहा? ज्ञान का सागर। सागर और सूर्य में क्या अंतर है? सागर जो है वो धरणी को गोद में लिए बैठा है। तीन हिस्सा सागर है और उसमें एक हिस्सा, चौथाई हिस्सा धरणी है। इसलिए धरणी और सागर ये मेल है। नदियां धरणी से निकलती हैं या सागर से निकलती हैं? सागर में जाकर के मिलती हैं, फिर निकलती कहां से है? सागर से ही निकलती है, सागर से ही निकलती है और सागर में ही समा जाती है। तो सागर उसे दो रूप में मिगाया गया है। जब सात्विक स्टेज है तो बहुत ऊंची स्टेज में गाया जाता है। क्या नाम है उसका? अरे सागर की ऊंची स्टेज जब होती है तो वो ऊंची स्टेज में किस नाम से गाया हुआ है? नहीं, वो तो नीचे हो गया। नदियां नीचे जाती हैं तब सागर में गिरती है। मानसरोवर पानी कैसा है? वो ज्ञान जल कैसा है? शीशे के मुआफिक ऊपर से लेकर के तल्ले तक पारदर्शी दिखाई देता है। गहराई में अगर काली चट्टान भी है तो वो भी देखने में आती है, इतना पारदर्शी। ये कब की स्टेज है? जिस मुकर्रर रथ में भगवान बाप प्रवेश करते हैं उसके पुरुषार्थ की अंतिम स्टेज है। कैसी स्टेज? संपन्न स्टेज। तो बताया कि उससे ज्ञान सागर से ये शिव शक्तियां निकलती हैं। क्या करती है? स्वर्ग का गेट खोलती है। कोई कोई है जो नरक का गेट खोल करके बैठ जाती। बाप कहते हैं जो कन्याएं माताएं स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती हैं उनको मैं सबला बनाता हूं। और अबला कौन बनाता है? सतयुग के फाउंडेशन काल में संगम में तो सबला भगवान बाप बनाते हैं, अबला कौन बनाता है? अरे कोई बनाता है या अपने आप है? माया रावण, माया रावण के सर पर भी कोई बैठा हुआ है। गधा कौन है? गधे को कितना भी नहलाओ धुलाओ है, हाँ क्या करेगा? धूल में लौट जाएगा।
बाबा ने बोला तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। किनको? तुम बच्चों को। तुम बच्चे माने है रुद्रमाला के मरते, उनको ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष और कम से कम 40 वर्ष। तुम बच्चों को इतना टाइम लगता है, बाकी दूसरों को 50। तुम बच्चों को इतना टाइम लगता है तो इनको और इनके फॉलोअर्स को ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगता है। दुनिया वालों को और ज्यादा लगेगा। तो बताया ये हुआ देहधारी धर्म गुरुओं का मूल रूप। क्या? जितने भी धर्म पिताएं हैं दूसरे धर्म के और उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनके आधार मूर्त देवात्माएं इसकी गोद में पलते हैं। इसकी गोद में, ब्रह्मा की गोद में पलते हैं। वो सब देहधारी धर्म गुरु है। तो उन देहधारी धर्म गुरुओं को जन्म देने वाला जन्मदाता कौन हुआ? है कौन हुआ? अरे अभी भी खेल रहे हैं, उनको नशा है। क्या नशा है? हमने ब्रह्मा बाबा की गोद ली है। हम ये नहीं कहेंगे हमको कौन सा बलि है, लेकिन नशा है उनको गोद का। तो देहधारी का नशा है, देहधारी आत्मा का नशा है या निराकार का नशा है? अगर निराकार का नशा हो तो उसकी क्या पहचान? हाँ, देहधारी का नशा नहीं है और निराकार बाप का नशा है, जिसको अपना शरीर नहीं है, जो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, उसका नशा है। उसका प्रूफ है कि वो सुप्रीम बाप की वाणी पर ही ध्यान देगा। देहधारी के चिकने चुपड़े लंबे चौड़े शरीर के ऊपर, देह के ऊपर ध्यान नहीं देगा। तो देखो, एक के द्वारा ये रावण राज्य पनपता है और एक के ही द्वारा राम राज्य की स्थापना होती है। कौन कहता है कुरु और कौन कहता है मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं? ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं क्या करता हूं? भगवान क्या कहते हैं? मैं करता माने करने वाला हूं या करता हूं? और देहधारी धर्म गुरु क्या कहते हैं? मैं करने वाला हूं कुरु, और कुरु की औलाद कौरव गए हुए। कौरव शब्द का अर्थ क्या है? कौ माने कौआ, रव माना शोरगुल, जो कौओं की तरह शोरगुल बहुत मचाते हैं। हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, हम दिल्ली में राम राज्य लाएंगे। गांधी जी भी क्या कहते थे? हम राम राज्य ला रहे हैं। क्या? अरे तुम राम राज्य ला रहे हो तो भगवान क्या करता है? है भगवान रावण राज्य लाता है? अरे कोई भी धर्म पिता, कोई भी धर्म गुरु इस दुनिया में राम राज्य नहीं ला सकता।
सुख का राज नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि सब सुख के पिछाड़ी पागल हो जाते हैं। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा सुख चाहती है या दुख चाहती है? सुख चाहती है। एक बाप का ही पार्ट है प्रैक्टिकल जीवन में। संपन्न होने पर गायन होता है, पूजन होता है, जो ना सुख चाहता है ना दुख चाहता है। सुख दुख से परे है वो भगवान ही सदैव स्वयं स्थिति में होने के कारण स्वर्ग लाता है, स्वर्ग बनाता है। और नर मना मनुष्य क्या करता है? नर कहता है हम ये करेंगे, वो करेंगे, स्वर्ग बनाएंगे, दिल्ली को राजधानी बनाएंगे, स्वर्ग की रामराज्य लाएंगे, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? और ही रावण राज्य आ जाता है। तो देखो, रावण राज्य जब आता है तो रावण राज्य के अंत में अति होने से जन कन्याओं माताओं को भगवान ने सबला बनाया था। क्या बन जाती है? अबला बन जाती है। और भगवान आकर के फिर से उसी कलयुग के अंत में अबलाओं को सबला बनाता है। तो देखो, जिन अबलाओं के ऊपर अत्याचार होता है उसमें भी एक डायलॉग बनावे बच्चियां, जब ये सब दिखलाते हैं ना, दिखला करके पिछाड़ी में जाकर के डायलॉग कि बिख खेल मनुष्य क्या क्या करते हैं। आज दुनिया में इतने जो धंधे धोरी फैले हुए हैं या नहीं? ये सब काय के लिए फैले हुए हैं? क्या दरकार है इनकी? अरे है क्या मान मर्तबा कमाने के लिए? मान मर्तबा से क्या मिलेगा? यस आराम है, देह में भी कौन सी इंद्री का ज्यादा सुख चाहते हैं? जो मरते समय वो इंद्री याद आ जाती है, क्योंकि सारा जीवन उसी इंद्री के सुख के लिए सारे धंधे धोरी फैलाते हैं। मरते समय पुरुष मरता है तो क्या याद आता है? अरे स्त्री चोला याद आ जाता है, तो स्त्री का जन्म मिल जाता है। और स्त्री मरती है तो क्या याद आ जाता है? पुरुष चोला याद आ जाता, तो क्या जन्म मिलता है? पुरुष का जन्म मिलता है। इससे क्या साबित हुआ कि दुनिया में सारे जो धंधे धोरी फैले हुए हैं, जो मन के अंदर कर्म इंद्रियों के अंदर हलचल पैदा करते हैं, वो सारे धंधों का मूल कौन है? क्या है? अरे विख के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं? ये बिख के लिए करते हैं
कि और कुछ करने के लिए पीते करते हैं, भिख के लिए करते हैं। कैसे उन अबलाओं को मारते हैं, कैसे उनको भिख न मिलता है, तो बोलते हैं भिख दो, नहीं तो मैं ये खाता हूं, मैं वो खाता हूं, जहर पी लेता हूं, कोई तो गोली लेकर के माथे पर रख लेते हैं डर पाने के लिए। बोलो भिख दो, भिख नहीं देते हो, देती हो तो मैं जहर खा लेता हूं। कोई जा करके ये किनारे पर कहां बैठ करके ये भिख दो, नहीं तो मैं ये कूदता हूं, समझे ना। ऐसे ऐसे डायलॉग भिख के लिए बनाओ, तो वो बिचारियां अबलाएं बड़ा बैठ करके उनको समझाती हैं, ऐसे ऐसे देखो ना करो। वो बोलता है कि नहीं, हम तो नगन करूंगा। बात बहुत समझने की है, ये तो तुम्हारा है ही, इसके ऊपर सारा मदार है, इसके ऊपर है रामा के। नहीं, इस रावण राज्य की दुनिया का सारा मदार इस भिख के ऊपर है, व्यभिचार के ऊपर है। ये जो अत्याचार होते हैं, ये जो हंगामा होते हैं घर घर में जहां तहां, ये सब कुछ भिख के ऊपर है। वो है कामेश क्रोधेश, क्या काम की आस पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आ जाते हैं। बस काम की आशा पूरी नहीं हुई तो मारना शुरू कर देते हैं उनको। तो इसलिए देखो ये हंगामे, तुम्हारा ये जो ज्ञान है ना, इसके कारण वो ज्ञान भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भला वो जो भिख जहर मूत नहीं मिलेगा तो उन विचारों का जीवन कैसे चलेगा। वो बोलता है इस मूत के बगैर तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है एकदम। असल में ऐसे ही है, एकदम ऐसे कहते हैं, अगर मैंने मूत नहीं पिया तो मैं कुछ भी नहीं किया, एकदम नहीं किया, समझा ना। और बाप यहां कहते हैं ये बच्चों तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, क्योंकि ये महाभारी महाभारत लड़ाई, खून की नदियां बहने वाली लड़ाई सामने खड़ी हुई है, और ये वो ही लड़ाई है जो भागवत और महाभारत के अनुसार 5000 वर्ष पहले हुई थी। ओम शांति।